नमस्कार मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज़ तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से मणिपुर में शनिवार को आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे देशभक्ति उन्हें विरासत में मिली थी उनके दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माता सभा के सदस्य रहे थे उनके सिखाए रास्ते पर चलकर त्रिपाठी परिवार के दोनों बेटों ने सैनिक बनकर देश की सेवा करने का फैसला किया था रायगढ़ शहर के किरोड़ीमल कॉलोनी में रहने वाले त्रिपाठी परिवार के मकान के सामने दोपहर बाद से लोगों की भीड़ लगने लगी सभी की आंखें नम थीं, लेकिन गर्व की अनुभूति भी थी परिवार के सदस्यों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुबह फोन पर अपनी कुशलता की जानकारी देने वाले कर्नल विप्लव और उनका परिवार कुछ देर बाद ही आतंकी हमले का शिकार हो गए मणिपुर के चुरा चंदपुर जिले में शनिवार को आतंकी हमले में असम राइफल्स के कुकर बटालियन के कमांडो ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी 41 वर्षीय उनकी पत्नी अनुजा 36 वर्षीय बेटे अबीर 5 वर्षीय तथा अर्धसैनिक बल के चार जवानों की मौत हो गई कर्नल त्रिपाठी के मामा राजेश पटनायक ने बताया कि शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे त्रिपाठी की अपनी मां आशा त्रिपाठी से बातचीत हुई थी लेकिन दोपहर बाद कर्नल विप्लव के माता पिता को अपने बेटे बहु और पोते की मौत की खबर मिली पटनायक ने बताया कि विप्लव के भीतर देशभक्ति का जज्बा अपने दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी के कारण पैदा हुआ था उनके दादा संविधान सभा के सदस्य थे और क्षेत्र के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे विप्लव जब वर्ष उन्नीस में 14 वर्ष के थे तब किशोरी मोहन त्रिपाठी का निधन हो गया था उन्होंने बताया कि विप्लव को अपने दादा से बहुत लगाव था पटनायक ने बताया कि विप्लव 2001 में लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे उन, उनको अपने दादा की तरह देश की सेवा करना था उनके पत्रकार पिता और सामाजिक कार्यकर्ता मां ने भी ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया पटनायक ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके भांजे ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है पटनायक ने बताया कि 30 मई उन्नीस को जन्मे विप्लव रायगढ़ शहर के एक स्कूल से पांचवी कक्षा पास करने के बाद सैनिक स्कूल रीवा में भर्ती हो गए थे उनके पिता सुभाष त्रिपाठी स्थानीय हिंदी दैनिक बिहार के प्रधान संपादक हैं तथा मां आशा त्रिपाठी सरकारी कन्या महाविद्यालय में सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन हैं। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा के बाद विप्लव को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़क और फिर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश मिला विप्लव के मामा ने बताया कि दो में विप्लव को रानीखेत में कुमाऊ रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी एन एन न्यूज